आप सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली बेस पे इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल रिगार्डिंग। तो इंडिया में इसके रिगार्डिंग कई सारे अपडेट आते हैं। मैंने कहा मैं ही जे मैं देता हूँ, तो मेरी वीडियो देखो, 10 वीडियो देखो, उसके बाद डिसाइड करना। तो खैर, ये तो हो गया मेरे थोड़े ज्ञान वाली बात जो मेरे को नहीं देनी थी, मगर फिर भी प्लो प्लो में निकल गई। तो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना क्रेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इंडियन मार्केट में, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस जिस सबसे हाई होती है और जित रुके हुए हैं, तो लोगों का खर्चा उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है और काफ़ी चीज़ें महंगी होगी उसके कारण। तो लोग सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ले, जिससे कि थोड़ा पैसा बचे। तो ऐसे में इसी वजह से क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो इसी को देखते हुए कंपनियाँ कई अच्छे अच्छे ऑफर लेके आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे या इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने, ताकि लोग खरीदें और लेके जाएँ अल्टीमेटली, और उनकी सेल हो, उनको प्रॉफिट मिल जाए अल्टीमेटली। तो ऐसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसको आप लोग सिर्फ 2,000 की ईएमआई पे ले जा सकते हो। मतलब मंथली आपको 2,000 ईएमआई देनी पड़ेगी 24 से 36 महीनों तक के लिए। वो आपको देखना पड़ेगा आपके कौन सा प्लान ले रहे हो, और उसकी प्राइस अंडर 70 पड़ती है। तो जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात कर रहा हूँ, आरबी सेवा का राइडर न्यू है, न्यू नहीं न्यू है, जो कि आप लोग 2,000 में ले जा सकते हो और अच्छी रेंज देगा डेली बेसिस के लिए, क्योंकि ये वो बहुत बड़ी रेंज नहीं देता, क्योंकि आरबी सेवा के जितने इलेक्ट्रिक स्कूटर, चाहे मावल हो चाहे राइडर हो, इतने ज़्यादा नहीं देते। वो ये राइडर का ही नया एडिशन है, तो ज़्यादा रेंज नहीं देगा, डेली बेस के लिए काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट करेगा। तो अगर आप लोग इसी के लिए कोई देख रहे थे तो भाई ये वीडियो देख सकते हो। इसी में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसा है, क्या है, क्यों, सब बताऊंगा। और अगर आप लोग काफ़ी लेट वीडियो देख रहे हो, तो मैं कह नहीं सकता कि ऑफर तब तक चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, क्योंकि फिलहाल तो अभी तक तो ऑफर है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कुछ टाइम तक रहेगा। तो जितनी जल्दी से हो सकता है इसको अगर लेना हो तो ले सकते हो, और चाहो तो शेयर कर देना ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और कर देते हैं श्री गणेश का। आरबी सेवा राइडर न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है, उसके अंदर कंपनी दावा करती है कि सिंगल चार्ज पे आपको 85 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको 60 वोल्ट की कैपेसिटी वाली बैटरी मिल जाती है, जो कि लिथियम आयन होती है। और इस बैटरी पैक के साथ इसके अंदर जो मोटर मिलती है वो बीएलडीसी टेक्नोलॉजी से आती है, और इस इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए आप ऊंची जगह पर आसानी से चला सकते हो उसको या ट्रैवल कर सकते हो। अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसके फ्रंट और रियर पर आपको डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वहीं इसके अलावा इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी मिलती है, जिसके जरिए आप इसको सिर्फ 2 घंटे के अंदर में चार्ज कर सकते हो। और इसके साथ ही इसके अंदर आपको कई सारे फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टार्ट बटन, यूएसबी पोर्ट, एलईडी लाइट, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ऑडोमीटर, और स्टोरेज कैपेसिटी भी इसके अंदर, मतलब अंडर सी स्टोरेज भी है। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग वगैरह बात करूँ तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 70,000 रुपये, जो कि एक्चुअल प्राइस है। और इसको आप लोग ईएमआई पे भी ले सकते हो, और जिसके जरिए आपकी ईएमआई जो बनेगी वो बनेगी 2,048 रुपये की। ये मैं आपको मिनिमम से मिनिमम ईएमआई बता रहा हूँ कि इतनी ईएमआई आपको देनी पड़ेगी। बाकी डाउन पेमेंट वगैरह देने के बाद, जो डाउन पेमेंट देते हैं ना 20% मिनिमम चाहते हैं, उस हिसाब से आपकी मिनिमम ईएमआई बनेगी। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसे लेने की प्लानिंग करते हैं या आपकी जान पहचान में कोई लेने की प्लानिंग कर रहा था, तो भैया आप लोग ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हो, ताकि सस्ते में उनको एक क्या कहते हैं एक व्हीकल मिल जाए, उनके जो डेली रिक्वायरमेंट की मगजमारी थी थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि मेरा मेन मोटिव हमेशा रहता है एज ए मिडिल क्लास, कि मिडिल क्लास को हमेशा थोड़ा सा फ़ायदा मिले अल्टीमेटली। भैया वो हर चीज़ का टैक्स दे रहा है, कल ही घर से निकलते टैक्स स्टार्ट हो जाता है उसके। अगर किसी ने 1 रुपये की टॉफी खरीदी उस पर टैक्स दे रहा है, हर चीज़ पर टैक्स दे रहा है, उसको कोई फैसिलिटी नहीं। गरीब है तो उसको लोग गरीब सोच के छोड़ देते हैं कि भैया गरीब है इसको सब्सिडी दे दो, अमीर है तो भैया उसको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। पैसा वो मिडिल क्लास इन दोनों के बीच में, कि सबसे ज़्यादा टैक्स ये देगा इनकम टैक्स, ITR नहीं, ये नहीं, सब तो यही दे रहा है, बाकी तो फिर अलग ही चल रहे हैं कि गरीब को क्या ही देना, अमीर को से क्या ही लेना, उसके पास लोन दिए जाओ वापस लेने नाम पे, भाई राइट ऑफ कर देते हैं, क्या जा रहा है। बहुत लोगों की मिर्ची लगेगी मगर ठीक है, सच बात है, बहुत राइट ऑफ हुए हैं, तो वो लॉसेस हमारी जेब पे आया है। खैर ये जेब तो नहीं है मगर पॉकेट वाली जेब पे आया है। तो थोड़े थोड़े सबके जो ईएमआई की जो या इंटरेस्ट था हमेशा बढ़ गया है, जिससे सबके ईएमआई थोड़ी बहुत बढ़ गई, 10, 20, 50, 80 रुपये बढ़ जाती है। तो लोग इसका देखते नहीं, मगर ये कि इससे ही काफ़ी फ़र्क पड़ता है, वो सारे जो उनका लॉस है सब कवर हो जाता है। ये जो फाइनेंस वाले हैं उनको समझ में आ रहा होगा। तो खैर मैं बात कर रहा था मैं कहाँ की बात को कहाँ लेगा, मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जो आप लोग 2,000 में ले जा सकते हो। तो आप लोग इसको ले जा सकते हो, अगर किसी को लेना हो तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि भैया ये भी आ रहा है ले सकते हैं, जो कि आरबी सेवा का मावल नहीं, राइडर न्यू, जो कि नया इलेक्ट्रिक स्कूटर इसने लॉन्च किया है। तो अगर आप लोग लेते हो, कंसीडर करते हो, कोई आपकी जानकारी में लेता है, तो
तो भी मेरे को जरूर टाइप कर देना किसी प्लेटफॉर्म पे, मेरे को बड़ी खुशी होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम में पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हो उस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दूँ तो ही मेरे को बता सकते हो, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन जुटा कर डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ताकि आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर, मैं वीडियो फॉर्मेट कर दूँ ताकि आप लोग जब मन कर दे सको अगर चाहो तो शेयर भी कर सको। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो चले मिट्टी लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तुम बाय, टेक केयर।